नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में की बैठक। कहा, शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ बाहरी पुलिस कर्मियों की भी लगाई गई है ड्यूटी। पूरे क्षेत्र को बांटा गया है सेक्टर व जोन में, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। सीएम योगी ने की अष्टमी तिथि पर मां जगत जननी के अष्टम स्वरूप माता महागौरी तथा सायंकाल सत्र में नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से की आराधना। समस्त देशवासियों के जीवन में सुख शांति आरोग्य व समृद्धि की मंगल कामना। मातृशक्ति के पाव पखार सीएम योगी होंगे रथ पर सवार। गोरखनाथ मंदिर में नवमी की तिथि पर मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री करेंगे कन्या पूजन। दोपहर में होगा तिलकोत्सव। अपराह्न बेला में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकलेगी विजयदशमी की शोभा यात्रा। महानगर में नवरात्र, दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन तथा मंगलवार को निकलने वाले मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा को देखते हुए महानगर में वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी भी असुविधा से बचने के लिए रूट डायवर्जन का करें पालन। स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया खुशी का इजहार। कहा, पावरफुल स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भारत के लिए है एक बहुत बड़ी कामयाबी। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर यात्रियों को बैठाकर चलना है प्रतिबंधित। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सघन चेकिंग अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को किया गया है निर्देशित। जनपद में जगह जगह पर पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा, विधि विधान से की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना। नवजात मासूम शिशुओं की जीवन रक्षार्थ आश्रय पालना स्थल का जिला महिला चिकित्सालय में सदर सांसद रवि किशन ने किया लोकार्पण। कहा, पालना स्थल में शिशु का किया जा सकता है सुरक्षित परित्याग। पहचान भी पूर्ण रूप से रखी जाएगी गुप्त, पुलिस में भी नहीं की जाएगी FIR दर्ज। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गब्बर कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सड़क हादसे और जाम से निजात पाने के लिए यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच MOU हुआ है हस्ताक्षरित। SP ट्रैफिक ने कहा, मैपल ऐप से आमजन को जुलूस, विरोध रैली, VIP मूवमेंट्स, सड़क बंद, रूट डायवर्जन तथा सड़क सुरक्षा जैसी मिल सकेगी जानकारी। पांच शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 गैस सिलेंडर, 1 सफेद धातु की पायल, बेचे हुए सामान से प्राप्त 1,120 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी गोरक्ष प्रांत की प्रांत संयोजिका रानी शाहनी के नेतृत्व में दुर्गा सप्तशती पाठ एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, मातृ शक्तियों के साथ शस्त्र पूजन कर आराध्य शक्ति स्वरूपा मां को किया गया याद। और शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन भी गोलघर काली मंदिर पर मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के सुख समृद्धि की कामना। अब खबरें विस्तार से। एडीजी जोन अखिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मंगलवार को विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर तथा रामलीला मैदान तक निकलती है। रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे रामलीला का
राम लक्ष्मण सीता का आरती करके समापन करते हैं तथा वहीं से जनपद वासियों सहित प्रदेश वासियों को नवरात्रि पर संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे, जिसको संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उसके बारे में भी सभी पुलिस कर्मियों को बताया गया है कि वह कहां पर और किस तरह से अपनी ड्यूटी करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को सेक्टर व जोन में बांटा गया है, जिससे सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर व जोन के प्रभारी सीओ को बनाया गया है। सभी अधिकारियों को फोर्स को दे दिया गया है, उनके ड्यूटी के पॉइंट को भी बता दिया गया है। मंगलवार को शोभा यात्रा के निकलने वाले समय में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, उस समय कोई भी गाड़ी उस रास्ते से आ और जा नहीं सकेगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, एसडीएम पवन कुमार, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ कैंट श्याम देव बिंद, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ मंदिर सुरक्षा अजय सिंह, इंस्पेक्टर सुशील कुमार शुक्ला, सुनील कुमार पटेल, इंस्पेक्टर कोतवाली अजय कुमार मौर्य, टीएसआई मनोज कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रूवर ने कहा, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट गण हैं, सभी अपने काउंटर पार्ट पर जब पहले आपको मिला राजू कुमार, आप अनिल पाटिल के साथ में एक्सेस दिया जाए। आपके वाले जोन में भी स्वागत कार्यक्रम है वहाँ पर उसी जगह पर, तो भी आप लोग ध्यान चले जाएंगे। आपको पूरा बता रहे हैं काम है, एसपी सिटी साहब भी आपके साथ आएंगे। एसपी सिटी साहब, ये जो जोन टू से जो शुरू हो रहे हैं वो सब आप अपने ऑफिस को लेकर के पूरा दिन दिखा रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम है उसमें प्रभारी एसपी साहब साहब हैं, उनके साथ सीओ श्री प्रेम नारायण तिवारी। देखिए, कल 4 तारीख को जो यहाँ पर विजयदशमी के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र में जो शोभा यात्रा का आयोजन होना है, उसको लेकर के जो पूरी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी आज यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम भी इस परिसर में होने हैं उसके बारे में ब्रीफिंग की गई है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है। सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और जोन के प्रभारी सीओ रैंक के अधिकारी हैं, और इसके ऊपर सुपर जोन्स भी बनाए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपनी जो फोर्स आवंटित है उसके बारे में डिटेल्स दे दिए गए हैं, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है वो बताया गया है। एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया है उसको कैसे लागू किया जाएगा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो एक दूसरे के साथ लगे हैं उनका समन्वय स्थापित कर इस पूरे आयोजन को सकुशल और एक सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में कैसे संपन्न कराया जाए उस संबंध में पूरी यहां पर आज ब्रीफिंग की गई है। अभी सभी अधिकारी मौके पर अपना अपना ड्यूटी पॉइंट देखने जा रहे हैं,
ड्यूटी पॉइंट देखने के उपरांत जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की डिब्रीफिंग सेशन किया जाएगा, उसके बाद सभी को जो है ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सिविल पुलिस के साथ साथ हमारे पास एसएसबी भी है, हमारे पास पीएसी भी है, इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड हमारी फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी और पूरी जो व्यवस्था है वो बुकलेट के माध्यम से जारी कर देंगे। शारदीय नवरात्र में जारी शक्ति उपासना के क्रम में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रातः सत्र में अष्टमी तिथि पर मां जगत जननी के अष्टम स्वरूप माता महागौरी तथा सायंकाल सत्र में नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से आराधना की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पारायण पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी जारी रहा। दोनों पूजन सत्रों में आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम से गोरखनाथ मंदिर में प्रवास कर रहे हैं। रविवार रात्रि उन्होंने महानिशा की विशिष्ट अनुष्ठान को पूर्ण किया था। सोमवार को प्रातः सत्र में उन्होंने मंदिर के शक्तिपीठ में माँ भगवती के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। सायंकाल के सत्र में माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री का आवाहन पूजन अर्चन के साथ किया गया। दोनों सत्रों में करीब दो घंटे तक चली पूजा में मुख्यमंत्री ने गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। सनातन धर्म में माता महागौरी अत्यंत शुभता, उल्लास और ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की मान्यता यश, बल, धन, वैभव, दायिनी के साथ सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी की है। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों सत्रों में आदिशक्ति की आराधना कर समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य व समृद्धि की मंगल कामना की। की नौमी तिथि पर मंगलवार सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मातृशक्ति के पांव पखारेंगे तो अपराह्न बेला में दशमी तिथि के मान में गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करने को रथ पर सवार होंगे।
शोभा यात्रा से पूर्व दोपहर में गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव होगा, तो यात्रा के समापन पश्चात संतों द्वारा पात्र देवता में रूप में गोरक्षपीठाधीश्वर की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्र पर गोरक्षपीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्ति पीठ में कलश स्थापना की थी। रविवार शाम से वह पुनः मंदिर में प्रवास कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अष्टमी तिथि के मान में महानिशा पूजा के अनुष्ठान हवन को पूर्ण किया था। सोमवार को भी वह जगत जननी माँ आदिशक्ति की उपासना में रत रहे। सीएम योगी नवमी तिथि पर मंगलवार को माँ दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत सुबह 8 बजे कन्या पूजन करेंगे। परंपरा के अनुसार वह माँ दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारेंगे, उनके माथे पर रोली चंदन दही अक्षत का तिलक लगा विधि विधान से पूजन करेंगे। पूरी श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान परंपरा के अनुसार बचुक पूजन भी किया जाएगा। गोरक्षपीठ की ओर से कुंवारी कन्याओं को और बचुक भैरव को दक्षिणा भी प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में सुबह 9 बजे से श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन एवं समस्त देव विग्रहों का पूजन गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा किया जाएगा। अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। अपराह्न 4 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा निकलेगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे। तुरही नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवादिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना अभिषेक करेंगे। इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रहे रामलीला में वह प्रभु श्री राम का रास तिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। इसके बाद रामलीला मैदान से शोभा यात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी और सायंकाल 7 बजे से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में पारंपरिक प्रसाद का वितरण, गरीब ब्राह्मण एवं अतिथि भोज का आयोजन होगा। इस भोज में अमीर गरीब और जाति मजहब के विभेद से परे बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के शीर्ष संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेषवारा पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसी पद पर वह दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी को पात्र पूजा का कार्यक्रम होता है। इसमें गोरक्षपीठाधीश्वर संतों के आपसी विवाद सुलझाते हैं। विवादों के निस्तारण से पूर्व संतगण पात्र देव के रूप में योगी आदित्यनाथ का पूजन करते हैं। पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। पात्र पूजा संत समाज में अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। महानगर में नवरात्र, दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन तथा मंगलवार को निकलने वाली मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा को देखते हुए महानगर में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि दशहरे के लिए सोमवार शाम 5 बजे से ही रूट डायवर्जन कर दिया गया है, जो संत कबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को सहजनवा बाईपास 0 पॉइंट से ही डायवर्जन किया गया। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहा एवं जंगल कौड़िया 4 लेन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले वाहनों को बाघागाड़ा स्थित 4 लेन पर डायवर्जन किया गया। ये वाहन रामनगर, करजहा एवं कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कोनी 4 लेन से रामनगर, करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।
शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा। देवरिया से आने वाले भारी वाहन रामनगर करजहा फोरलेन बाघागाड़ा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अमर उजाला तिराहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज एवं प्राइवेट बसों को अमर उजाला तिराहा से डाइवर्ट किया गया। ये वाहन देवरिया बाईपास से रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। नौसर चौराहे से टीपी नगर चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहा एवं कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी के पुल के मार्ग पर किसी प्रकार के चार पहिया, दो पहिया, रिक्शा एवं साइकिल से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घोष कंपनी से नखास चौक तथा घोष कंपनी से रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदादपुर तिराहा से घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडेहाता घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल से बर्फखाना हाशुपुर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हुमायूंपुर रेलवे ओवरब्रिज, तरंग ओवरब्रिज से गंगेज चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर, घंटाघर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। विजय चौक से अलीनगर, चरणलाल चौक की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के राजकीय वाहन एवं प्राइवेट वाहन CS चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चार फाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग से पादरी बाजार चौकी, फातिमा अस्पताल, खजनजी चौराहा होते हुए भगवानपुर के रास्ते बरगदवा चौकी होकर फरिंदा सुनौली की तरफ जाएगी। रोडवेज एवं एम्बुलेंस जैसे वाहनों को आने जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा का रूट डायवर्जन मंगलवार को 12 बजे से लागू होगा। धर्मशाला चौराहे से गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। जेपी हॉस्पिटल से गोरखनाथ मंदिर जाने वाले लोग दुर्गाबाड़ी होकर जाएंगे तथा ग्रीन सिटी मोड़ से आने वाले वाहन सूरजकुंड की तरफ से जाएंगे और सगुन मैरिज हॉल से मानसरोवर रामलीला मैदान जुलूस के समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस डायवर्जन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, शहर में तीन प्रकार के डायवर्जन नवरात्रि, दशहरा मेला और श्री गोरखनाथ मंदिर शोभा यात्रा को देखते हुए तीन प्रकार के डायवर्जन लागू किए गए हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको गोरखनाथ मंदिर शोभा यात्रा का डायवर्जन, वो कल 4 तारीख के लिए 12 बजे से लागू होगा वो डायवर्जन। उसमें धर्मशाला चौराहा से गोरखनाथ मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित हैं। अगर उधर जाना है किसी को तो दुर्गाबाड़ी, सूर्यकंड और ग्रीन सिटी और कौड़ेवा मोड़ होकर जाएं। इसी प्रकार JP हॉस्पिटल से गोरखनाथ मंदिर जाने वाले वाहन भी दुर्गाबाड़ी होकर जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया मोड़ से आने वाले जो वाहन हैं उनके लिए रामनगर तिराहे से मोड़ के नखा ओवरब्रिज से पास कराया जाएगा और ग्रीन सिटी मोड़ से आने वाले वाहन भी सूरजकुंड की तरफ से जाएंगे और सूरजकुंड से रामलीला मैदान की तरफ जुलूस की समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं और लेवा तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ भी सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। ये वाहन जाहिदाबाद तिराहे की तरफ से जाएंगे। इसी प्रकार दशहरी बाग तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले वाहन कौड़ेवा मोड़, इंडस्ट्रियल मोड़ होते हुए जाएंगे। यानी कि गोरखनाथ मंदिर के शोभा यात्रा के रास्ते की तरफ आने वाले सभी वाहन मंदिर से लेके और मानसरोवर मंदिर का जो एरिया पड़ता है उस एरिया में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश कल 12 बजे से ही प्रतिबंधित है। तो मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए इसी प्रकार से अपना कार्यक्रम बना के निकलें। और दशहरा मेला के संबंध में जो उपयुक्त डायवर्जन बताया, इसके अलावा बाहर के जनपदों से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है तथा यात्री वाहन भी डाइवर्ट किए गए हैं। अमर उजाला तिराहा से नौसर की तरफ सारे वाहन प्रतिबंधित हैं।
सहजनबा से नौसर की ओर भी कोई वाहन नहीं आने दिया जाएगा। ये कालेसर से जंगल कौड़िया और भागागाड़ा फोर लेन होते हुए सोनबरसा की तरफ से जाएंगे। इसी प्रकार बनारस और बढ़लगंज की तरफ से आने वाले वाहन भी फोर लेन बाईपास से कालेसर और जंगल कौड़िया और जगदीशपुर कोनी होते हुए जाएंगे। पैडलेगंज और मोहद्दीपुर की तरफ से आने वाले वाहन को देवरिया रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा, अमरजला तिराहा और चिड़ियाघर होते हुए जाएंगे। खजांची रोड से आने वाले वाहनों को पादरी बाजार की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। बरगदवा की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए चिलुआताल और स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ से पास कराया जाएगा। रेलवे अंडरपास और पैडलेगंज की तरफ से आने वाले जो दर्शनार्थी के वाहन होंगे उनके लिए म्यूजियम रोड पर खड़ा कराया जाएगा। हार्वर्ड बंधा से लाल डिग्गी वाले वाहन टीपी नगर और अमर उजाला बाईपास की तरफ पास कराए जाएंगे। कुल मिला के संक्षेप ये कि धर्मशाला से दुर्गावाड़ी चौराहा तक ये दशहरा मेला के दौरान ये 9 व्हीकल जोन रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का वाहन प्रतिबंधित है। ये हमारी यातायात व्यवस्था है। मेरा गोरखपुर के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस डायवर्जन प्लान का पालन करें। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी को दी जा चुकी है। कृपया घर पर निकलने से पहले डायवर्जन प्लान का जरूर अवलोकन कर लें। थैंक यू। नवरात्र अष्टमी के दिन राजस्थान की धरती से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया तथा उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरी। आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर भारत का HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी LCH है, जो सारी चुनौतियों पर खरा उतरेगा और दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। यह हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इसमें हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसे एंटी टैंक और हवा से मारने वाली मिसाइलें से भी लैस किया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे हल्का और सबसे पावरफुल स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, जो 16,000 फीट ऊपर से भी जाकर अटैक कर सकता है और दुश्मनों के रडार में भी नहीं आ सकता। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, जैसा कि आज आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने स्वदेशी अपना एक हेलीकॉप्टर, एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। मैं रक्षा मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी को कि ये अद्भुत कार्य हुआ। सबसे हल्का और सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट पर जाके भी अटैक कर सकता है और दुश्मनों के रडार में भी नहीं आ सकता, और ये हमारे भारत ने बनाया। तो ये पता चलता है इस नए भारत का। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अद्भुत भारत में अब हम लोग अपने स्वदेशी फाइटर प्लेन, फाइटर हम लोग विक्रांत अभी स्वदेशी बनाए, जो पानी में हमारा एक बहुत बड़ा युद्धपोत तैयार हुआ है जिसमें अनगिनत हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। आज हमने अपना स्वयं का एक फाइटर हेलीकॉप्टर बनाया जो हल्का है और बहुत ही सुंदर है और 16,000 फीट से ये अटैक कर सकता है, दुश्मनों के रडार पर नहीं आ सकता। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की। 1 अक्टूबर को कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों सहित कुल 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता व्यक्त किया तथा कहा, कहीं पर भी ऐसी घटना ना हो, सभी अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर शहर में प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली दिन के समय शहर में एंट्री करता है तो उसके खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई को सघन रूप से चलाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली कृषि कार्य और माल ढोने के लिए होती है। अगर कोई यात्रियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाकर चलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है तथा दूसरी गाड़ी हर प्रयोजन के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वैधानिक नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर हमने पहले से ही शहर में प्रतिबंधित कर रखे हैं, और अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर दिन के आवर्स में नो एंट्री टाइम में शहर में नज़र आता है तो उसके खिलाफ
नियमित रूप से हमारी कार्यवाही होती रहती है। इस कार्यवाही को और सघन रूप से चलाने के लिए हमने सभी थानाध्यक्षों के लिए निर्देशित किया है, और इसके साथ साथ उन्हें ये बताया गया है कि ट्रैक्टर और ट्राली कृषि कार्य के लिए या माल ढोने के लिए होती है, वो यात्रियों को बिठाने के लिए नहीं है। अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली में कोई यात्रियों को बिठा के चलता है तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करें। और गांव के देहात क्षेत्र के थानाध्यक्षों को ये बताया गया है कि सब लोगों को ये मैसेज भी फैलाएं और उनको प्रेरित करें कि ट्राली में बैठकर किसी भी प्रकार की कोई यात्रा ना करें। अगर ट्राली के में यात्रा करेंगे बिठा के तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना है और MB एक्ट के अंतर्गत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरा सभी गोरखपुर के सम्मानित नागरिकों से, विशेषतः इंडस्ट्री वाले और कृषक भाइयों से ये अनुरोध है कि ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग सिर्फ माल ढोने के लिए करें और शहर में दिन के आवर्स में ट्रैक्टर ट्राली और डंपर पूर्णतया प्रतिबंधित है। देखा जाए तो ट्राली के ऊपर जो मीटर सुगर लोग बैठ के आते हैं, फिर उसके बाद 100 जो लेकर आते हैं, उसमें बहुत से लोग 25-30 संख्या में बैठ जाते हैं। ट्राली पर में यात्रा करना पूरे तरीके से प्रतिबंधित है, चाहे आप किसी भी प्रयोजन के लिए कर रहे हों, उस प्रयोजन के लिए अलग से दूसरी गाड़ी हर प्रयोजन के लिए उपलब्ध है। कृपया करके जो वैधानिक प्राविधान है उसी का पालन करें। जनपद में जगह जगह पर पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। विधि विधान से 9 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं जनपद के श्रद्धालु भी पंडालों में पहुंचकर मां के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं, तथा पंडालों को भी अलग अलग ढंग से सजाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर देश के अलग राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर से मूर्ति को लाकर स्थापित किया गया, तथा सुरक्षा के दृष्टिगत सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार भ्रमणशील रहकर पंडालों की निगरानी कर रही है। सभी आयोजकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने पंडाल की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगवाएं। रात के समय एक व्यक्ति पंडाल पर जरूर रहे, अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो तत्काल डायल 112 को सूचना दें, पुलिस मौके पर पहुंचकर सहायता करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों ने कहा, रवि गुप्ता ये 80 वर्षों से बैठ रही है। कितने लगभग यहाँ पे लगभग अगल बगल के जिले पूरे पूर्वांचल से लोग आते हैं इस मूर्ति को देखने के लिए, और अच्छी खासी भीड़ होती है माँ के भक्तों के लिए। ये जो मूर्ति है ये पूरे गोरखपुर शहर की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो इसका नाम है धर्मशाला की माँ देवी के नाम से दिया गया है। धर्म नियम अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग लाइन लगा करके प्रसाद दे करके तिलक लगा करके अच्छे से उनका स्वागत करके तब दिया जाता है। मेरा नाम अमित सिंह है
और यहाँ पे मूर्ति पिछले 48 सालों से बैठ रही है। 1975 से यहाँ पे मूर्तियाँ बैठ रही हैं और यहाँ के अध्यक्ष सूरज सिंह हैं और यहाँ के संरक्षक श्री धर्मपाल गोयल जी हैं। आपको देखने से तो पता ही चल गया होगा यहाँ का बैकग्राउंड, यहाँ का चटाई पंडाल, यहाँ की मूर्ति। बाकी मुझे तो, आप पत्रकार हैं तो आपसे अच्छा बताने में, ये मूर्ति सुमेर सागर छोटी काली मंदिर की है। अपील यही करूँगा कि त्यौहार शांति से मनाएं और अच्छे से मनाएं। कल दुर्गा पूजा छात्र समिति सुमेर सागर काली मंदिर का संरक्षक, 48 साल से दुर्गा पूजा ये हो रही है और हर साल के भांति इस साल भी दुर्गा पूजा हो रहा है। बाकी पंडालों में क्या अंतर है? हमारी थीम के ऊपर ये पंडाल बना हुआ है। क्या खास है इसमें? खास ये बात ये है कि इसमें जो वर्क हुआ है वो चटाई से हुआ है और बैकग्राउंड थीम। क्या करना चाहेंगे लोगों से? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ लोग दर्शन करें और पंडाल भी देखें। मेरा नाम तान्या कुशवाहा है। ये मेरे पापा बैठाते हैं 35 साल, इस बार पूरा हो जा रहा है माता रानी का। 35 साल से वो बैठाते हैं। कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के? क्या जी? श्रद्धालु डेली दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे? बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। किस तरह से लोगों को दर्शन कराया जाता है? हर तरीके से दर्शन, जैसे गोद भराता है यहाँ पे, फिर कितने लोग यहाँ पे इतना माता जी का कढ़ाई भी चढ़ाते हैं, हर एक चीज पूजा करते हैं, जो भी उन भक्तों को जो अच्छा लगता है वो चीज़ करते हैं यहाँ पे। सुनील सिंह। अष्टमी का दिन है, कितने सालों से मूर्ति बैठाते हैं? ये सर हम लोग 15 साल से बैठा रहे हैं, 2007 से बैठा रहे हैं। अभी ये मूर्ति बता रहे हैं बहुत दूर से आई है। हाँ, कहाँ से आई? ये जबलपुर मध्य प्रदेश दमोनाका चौराहे से ये मूर्ति आई है। यहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? यहाँ अभी आज से व्यवस्था हो जाएगी, बैरिकेटिंग हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा हो रही है, कल से भी भीड़ ज़्यादा हो रही थी सेल्फी सिस्टम के लिए। कितने भीड़ होती है? लगभग 1000 पब्लिक आ जाती है, तो आज ज़्यादा की तादाद आने की संभावना है। आज और कल में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। हाँ, लोग देखने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं। आज कम होगी, कल बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ शाम को भंडारा भी है। राहुल निशान नाम है, 8वां दिन। कितने सालों से मूर्ति बैठती है? यहाँ पे बैठे सर कम से कम 20 साल है, बड़े भाई बड़े लोग बैठा रहते हैं। उसके बाद हम लोग 6-7 साल के छोटा कमेटी नौ एक समिति बन गया। किस तरह से लोगों को दर्शन करवाया जाता है? अरे सर कल भंडारा है, कल के वजह भंडारा है, उसके बाद परसों विसर्जन है, उसके बाद आज सब लोग बड़े रहते हैं, इसी मतलब सेव फल बटने वाला है, लाइन से भंडारा भी होता है। कन्हैया लाल देश। कितने वर्षों से बैठती है? ये सन 1972 में हमारे पिताजी द्वारा स्थापित की गई है और ये 91 वर्ष है और शक्ति के दिन हमारी प्रतिमा का अनावरण पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पप्पू जायसवाल, जितेन जायसवाल और पप्पू भैया ने किया था। किस तरह से लोग दर्शन करें, क्या व्यवस्था है? माता बहनें अंदर तक जाती है, माँ का पाँव छूने, और हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स अलग अलग सी व्यवस्था बनाई गई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में की बैठक। कहा शोभा यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ बाहरी पुलिस कर्मियों की भी लगाई गई है ड्यूटी। पूरे क्षेत्र को बांटा गया है सेक्टर व जोन में, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। सीएम योगी ने की अष्टमी तिथि पर मां जगत जननी के अष्टम स्वरूप माता महागौरी तथा सायंकाल सत्र में नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से की आराधना। समस्त देशवासियों के जीवन में सुख शांति आरोग्य व समृद्धि की मंगल कामना। मातृशक्ति के पाव पखार सीएम योगी होंगे रथ पर सवार। गोरखनाथ मंदिर में नवमी की तिथि पर मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री करेंगे कन्या पूजन। दोपहर में होगा तिलकोत्सव। अपराह्न बेला में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकलेगी विजयदशमी की शोभा यात्रा। महा
महानगर में नवरात्र, दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन तथा मंगलवार को निकलने वाले मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा को देखते हुए महानगर में वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी भी असुविधा से बचने के लिए रूट डायवर्जन का करें पालन। स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया खुशी का इजहार। कहा, पावरफुल स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भारत के लिए है एक बहुत बड़ी कामयाबी। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर यात्रियों को बैठाकर चलना है प्रतिबंधित। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सघन चेकिंग अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को किया गया है निर्देशित। जनपद में जगह जगह पर पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा, विधि विधान से की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना। नवजात मासूम शिशुओं की जीवन रक्षार्थ आश्रय पालना स्थल का जिला महिला चिकित्सालय में सदर सांसद रवि किशन ने किया लोकार्पण। कहा, पालना स्थल में शिशु का किया जा सकता है सुरक्षित परित्याग, पहचान भी पूर्ण रूप से रखी जाएगी गुप्त, पुलिस में भी नहीं की जाएगी FIR दर्ज। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गब्बर कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सड़क हादसे और जाम से निजात पाने के लिए यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच MOU हुआ है हस्ताक्षरित। SP ट्रैफिक ने कहा, मैपल ऐप से आमजन को जुलूस, विरोध रैली, VIP मूवमेंट्स, सड़क बंद, रूट डायवर्जन तथा सड़क सुरक्षा जैसी मिल सकेगी जानकारी। पांच शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 गैस सिलेंडर, 1 सफेद धातु की पायल, बेचे हुए सामान से प्राप्त 1,120 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी गोरक्ष प्रांत की प्रांत संयोजिका रानी शाहनी के नेतृत्व में दुर्गा सप्तशती पाठ एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, मात्र शक्तियों के साथ शस्त्र पूजन कर आराध्य शक्ति स्वरूपा मां को किया गया याद। और शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन भी गोलघर काली मंदिर पर मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के सुख समृद्धि की कामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवजात मासूम शिशुओं की जीवन रक्षार्थ आश्रय पालना स्थल का लोकार्पण दुर्गा अष्टमी को जिला महिला चिकित्सालय में सदर सांसद रवि किशन के द्वारा किया गया। सांसद ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर पालना केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तथा हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इस आश्रय पालना स्थल का शुरुआत जनपद के जिला अस्पताल से किया गया है। इस आश्रय पालना स्थल में लावारिस बच्चों को पाला जाएगा। जो लोग नवजात शिशु को डस्टबिन, कटीली झाड़ियां, नदी, तालाब, कुएं में फेंक देते हैं, जिससे उस मासूम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस आश्रय पालना स्थल में शिशु का सुरक्षित परित्याग किया जाता है, जिसकी पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। उन्होंने कहा कि आश्रय पालना स्थान में शिशु का सुरक्षित परित्याग करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की पुलिस में FIR दर्ज भी नहीं की जाती है, जिससे पहचान गोपनीय बनी रहे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी शिशु को कहीं पर फेंके नहीं, उसे जिला अस्पताल में बने आश्रय पालना स्थल पर लाकर रख दें। इस अवसर पर प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर NK श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, SIC जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव, KN बर्नवाल, BV सिंह, उमेश पांडे, डॉक्टर कमलेश, अमरनाथ जायसवाल, CB सिंह, जाहिदा अनुभा त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उदयपुर महेश आश्रम एवं मां भगवती विकास संस्थान के संस्थापक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल तथा सदर सांसद रवि किशन ने कहा,
सेंसर लगा हुआ है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, इसके उसके बाद जो है हमारी इमरजेंसी में बेल बजना शुरू हो जाएगी। किसी ने बच्चा रख दिया, किसी ने बच्चा रख दिया है वहाँ से वो, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहली जगह, पहली बार सर मेरे ख्याल से अपनी पहले है ये उत्तर प्रदेश में पहला बार हो रहा है कि सेमू सर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में पहला पालना अस्पताल है। इसको कोई माता पिता लोग बच्चे छोड़ देते हैं किसी कारणवश, भगवान जाने, लेकिन जब भी बच्चा छोड़े तो सारे माता पिता कृपया ये पालना है, ये गोरखपुर में इसकी शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य सरकार को, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे सीएमओ महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हैं कि इसकी शुरुआत आश्चर्य, ये आश्चर्य पालना स्थल, आश्चर्य पालना स्थल होगा जहाँ प्यार दुलार का भविष्य का एक निर्माण होगा। अगर आप अपने आपको आपका बच्चा नहीं चाहिए किसी कारणवश, कृपया आप इस पालने में छोड़ दें और उसके बाद उसका पूरा ख्याल रखना, उसका पूरा ख्याल राज्य सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रखा जाएगा। जी सी एम राइट, बिल्कुल राइट। इसी क्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सांसद महोदय जी को पुष्प, सांसद महोदय को पुष्प, चिकित्सक डॉक्टर जय कुमार जी से सांसद महोदय जी को पुष्प। सांसद महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए, अपने आशीर्वचनों से यहाँ एकत्रित जनता को संबोधित करें। देवेंद्र अग्रवाल जी आपका धन्यवाद। आपकी संस्था का नाम महेश आश्रम से योग गुरु जी आए हैं और वो प्रशिक्षण भी देंगे। संस्थापक हैं वहाँ से माँ भगवती विकास राजस्थान उदयपुर। तो केंद्र सरकार को इन्होंने अप्रोच किया, ये थॉट अपना उन्होंने बताया, ये अद्भुत थॉट, ये बहुत ही शानदार विचार है। पहली बार उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में पूज्य महाराज जी के स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कि इस विचार को उन्होंने परमिशन दी, अलाउ किया, केंद्र सरकार द्वारा permitted. We are starting this for the first time in Uttar Pradesh. Gorakhpur. मैं सीएमओ महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आप इसमें तुरंत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप बहुत इसके लिए बिल्कुल अपनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो शब्द ये कि फेंके नहीं हमें दें, बच्चा फेंके नहीं हमें दें, किसी माता पिता को कभी बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा हो जाता है किसी कारणवश, वो बच्चे को अस्पताल में, कचरे में, यहाँ पर पीछे फेंक देते हैं या कभी उसकी हत्या भी हो जाती है, जान के अनजान में कहीं फेंक दिया, वो जानवर खा गया, कीड़ा खा गया, चूहा खा गया, तो बच्चे की मृत्यु होती है और एक जान चली जाती है। कितना दुखद उठाई है और इसका संदेशा विश्व में भी गलत जाता है, मेडिकल में भी गलत जाता है, देश में भी गलत जाता था, लेकिन अब ये रुक जाए। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपने सोचा, ये सोच रखी, ये गंभीर सोच आप ही रख सकते हैं। इस नए भारत की सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बच्चा फेंके नहीं हमें। धन्यवाद।
नारी सशक्तिकरण आ चुका है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र और राज्य की सरकार में अब बेटियों को और सम्मान से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी भाव आ जाते हैं कि नहीं हमके बच्चा ना चाहिए, कुछ हो सकता है, होता रहता है। आप सुनते हैं कि अस्पताल के पीछे बच्चा फेंका गया, प्रीमैच्योर बेबी हो गया, तो कितने लोग 6 महीना में बच्चा हो गया, 7 महीना में उनके लगातार ना हो, अपाहिज हुई। अंधविश्वास के साथ बहुत सारी चीजें इंसान सोचता है, तो वो लोग वो माता पिता खाते जो वो माँ के खातिर जिसने उस बच्चे को पैदा किया है कि हमके बच्चा ना चाहिए, हमके लड़का ना चाहिए, हमके लड़की ना चाहिए, और उसको फेंकने के बजाय कृपया हाथ जोड़कर विनती है, बच्चा फेंके नहीं, पालना बन रहा है गोरखपुर में, इसका आगाज हो गया, शुरुआत हो गई उत्तर प्रदेश में, पहली बार उस बच्चे को लाए, उस कृपया पालने के बाहर रख दे। कहाँ कहाँ हुई होगी पर सेंटर यही पर है सब जगह, कहाँ पर, यहाँ पर हमारे जिला अस्पताल में यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, इसका पहला सेंटर है जिला अस्पताल, जिसको बच्चा नहीं चाहिए पालने में चुपचाप आए, अपना बच्चा रख दे चला जाए, ये वचन है हमारा एक सांसद के रूप में अपने केंद्र सरकार मोदी जी और योगी जी के बिहाफ में, डबल इंजन की सरकार के बिहाफ में, मैं सांसद के रूप में ये दायित्व लेता हूं और मैं आपको वचन देता हूं, इस बच्चे का पालन पोषण वैसे ही होगा जैसे एक माता पिता करा, ये हमारा वचन है आपको, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, गुरु जी आए हैं उदयपुर से, ये संस्था चलाते हैं, कई ट्रस्ट है, ये कई सालों से गुरु जी यही कार्य में थे, यही पुण्य कार्य में थे, गुरु जी आए हैं, कैसे इस बच्चे का पालन पोषण होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कैसे क्या होगा, एवरीथिंग सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटोकॉल के द्वारा देखा जाएगा, उसके स्वास्थ्य का ख्याल होगा उस बच्चे का, उसके एजुकेशन से लेके अच्छे भविष्य की ओर उस बच्चे को लेके जाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल, संस्थापक संचालक महेश आश्रम, मां भगत विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान। आश्रय पालना स्थल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे पैदा होते ही डस्टबिन और झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं, नदी तालाब में फेंक दिए जाते हैं, या जिन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसे असुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, जिसमें से अधिकतर शिशु या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं भयानक रूप से, या गलत हाथों में पड़कर उन्हें भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों में धकेल दिया जाता है, और आने वाले समय वो शिशु राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन बचाने और बनाने के उद्देश्य से आश्रय पालना स्थल की स्थापना राजकीय जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रयासों से संभव हो पाई है। मैं महेश आश्रम से, माँ भगत विकास संस्थान उदयपुर राजस्थान से, योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल। किस तरह बच्चों की तौर पर की जाती है यहाँ पर इस पालना स्थल में? कोई भी व्यक्ति जिसके अगर अनचाही संतान पैदा हुई है तो हम उनसे अपील करते हैं, फेंके नहीं, हमें दे, बिना पहचान बताएं पालने में छोड़ जाएं। पालने में छोड़ने के 2 मिनट बाद घंटी बजेगी, इस 2 मिनट के दरमियान वो व्यक्ति उस नवजात को छोड़कर, मासूम को छोड़कर यहाँ से जा सकता है, न तो उसे रोका जाएगा, न उसे पूछा जाएगा, न उसे टोका जाएगा, न उसे पकड़ा जाएगा, न ही उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस 2 मिनट के दरमियान में उन्हें यहाँ से जाना होगा, और जैसे ही बेल, हमारे इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे हैं, बच्चा आने के 2 मिनट बाद अपने आप ही राजकीय चिकित्सालय के रिसेप्शन सेंटर पर बेल बजेगी, और वहाँ पर हमारे कार्यरत साथी तत्काल ही उस बच्चे को पालना स्थल से प्राप्त कर उसकी मेडिकल और पर्सनल केयर सुनिश्चित करेंगे, और बच्चा स्वस्थ पाए जाने पर उसे राजकीय शिशु गृह में भेज दिया जाएगा। बच्चा बड़ा हो तो उसके लिए क्या, बड़े होने पर क्या सुविधा रहेगी? जैसे ही उसे राजकीय शिशु गृह में भेजा जाता है, वहाँ पर उसका लालन पालन किया जाता है, तत्पश्चात माननीय बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट द्वारा उस बच्चे को लीगल फ्री डिक्लेयर किया जाता है, और कारा की गाइडलाइन के प्रक्रिया पूरी करते हुए उस बच्चे को माननीय न्यायालय द्वारा गोद दे दिया जाता है। इससे उस बच्चे का न जीवन बचता है वरन उसे
बहुत ही अच्छी लालन पालन की वजह से एक अच्छी परवरिश प्राप्त होती है और वो आने वाले समय राष्ट्र की संपत्ति बनता है, और साथ ही जो निसंतान दंपति है वह उस बच्चे को गोद लेकर अपने परिवार को पूरा करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पारित किया और मैं गुरु जी यहाँ पर आए, योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल जी माँ भगवती विकास संस्थान द्वारा इन्होंने इसका प्रपोजल रखा था। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी द्वारा और हमारे मेडिकल, हमारी टीम द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको पारित किया गया। इसको जिला अस्पताल में सीएमओ महोदय ने इसको पहले इसका शुरुआत की है। ये है पालना, इसका नाम है पालना, इसका नाम है, पहली बात है आश्रय पालना स्थल, आश्रय पालना स्थल जहाँ पर बच्चों को देखा जाएगा। और इसकी टैगलाइन यही रहेगी, बच्चा फेंके नहीं, फेंके नहीं हमें दें, फेंके नहीं हमें दें, आप बच्चा फेंके नहीं हमें दे। और उसके प्रोटोकॉल्स भी बता दें, आप एक पालना रखा जाएगा जिला अस्पताल में, आप लोग यहाँ गोरखपुर में यहाँ पालना होगा, आप बच्चा रखें, आपको नहीं चाहिए तो आप रख दीजिए वहाँ, दो मिनट बाद घंटी बजेगी, वो घंटी बजेगी अंदर हमारे कार्यालय में, हमारी जो कर्मचारी हैं तुरंत, जो इससे जुड़े हुए हैं वो तुरंत दौड़ के आएंगे लेने के लिए। दो मिनट इसलिए दो मिनट बाद बजेगी कि उस माता पिता को वहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा, उनकी अगर उनकी और उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसको पूरा लीगल तरीके से करेंगे तो कोई भी माता पिता डरे नहीं कि हमके क्यों देख ली, हमको कोई देख लेगा, पहचान लेगा, हम पर कानूनी कार्रवाई होगी, हमको पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा नहीं। ये पूरा इसको प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है जिला अस्पताल में, आपको बच्चा नहीं चाहिए दे दीजिए। सरकार, केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी की डबल इंजन की सरकार, हमारी मेडिकल टीम, हेल्थ मिनिस्ट्री इसको संभालेगी, अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से वैसे ही पालन पोषण करेगा, उस बच्ची की मृत्यु होने नहीं देगा, नहीं तो बच्चा अक्सर फेंक देते हैं, कीड़ा खा जाता है, चूहा खा लेता है, ये करता है, प्रीमेच्योर बेबी होता है, लोग छोड़ देते हैं कि भैया 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद ये सारी चीज चिंताओं से आप मुक्त हो जाएं। आपको बेटी बेटा जो भी आपको नहीं चाहिए, कृपया के फेंकिए मत उसको, कृपया बच्चा फेंके ना हमें दें, बच्चा फेंके ना हमें दें। उत्तर प्रदेश की धरती पे पहली बार ऐसी शुरुआत हो रही है, वो भी जिला गोरखपुर से, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, पूज्य महाराज जी, जहाँ पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, इसकी शुरुआत वहाँ से हो रही है। आज मैं सभी को बहुत सारी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने केंद्र सरकार को, मोदी जी को, कि ये शुरुआत इतनी भावना से भरी हुई शुरुआत, इतनी भावुकता से भरी हुई शुरुआत हुई, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और अब गुरु जी आए हैं यहाँ पर, योग गुरु ये सिखाएंगे भी कि किस तरह से उसका प्रशिक्षण होगा, किस तरह से बच्चे का लालन पालन पोषण, बिगिनिंग की जिम्मेदारियों के साथ हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इसको ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, बाकी योग जी। कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गब्बर कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान गब्बर कुमार पुत्र राम सिंहासन निवासी भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि थाना कैंट क्षेत्र में भिन्न भिन्न तिथियों में चोरी नकबजनी की घटनाएं कारित हुई थी, जिनके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना से तीनों घटनाओं में गैंग लीडर धीरू पासवान पुत्र स्वर्गीय विंध्याचल पासवान निवासी धोबी चोला दिव्यनगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर व उसके गैंग के सदस्य दूसरा अभिषेक सिंह पुत्र प्रद्युमन सिंह निवासी काली मंदिर के पास ग्राम भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, तीसरा गब्बर कुमार पुत्र राम सिंहासन निवासी भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, चौथा चंदन वर्मा पुत्र विश्वनाथ वर्मा निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पिपराय जनपद गोरखपुर संलिप्त पाए गए थे, जिनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा लगातार कैंट थाना क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं व आर्थिक लाभ के लिए चोरी नकबजनी की घटनाएं कारित की जा रही थी तथा जिनका समाज में भय व्याप्त है, इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने व प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु थाना कैंट पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अंजनी यादव, कांस्टेबल कविंद्र कुमार, संजय कुमार यादव शामिल रहे। Thank you.
हादसे और जाम से निजात पाने के लिए यूपी पुलिस मैप माई इंडिया के साथ एमओयू किया गया है। मैप माई इंडिया ने स्वदेशी मैपल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात और सुरक्षा अलर्ट देने के लिए यूपी पुलिस के साथ समझौता किया, जो इस तकनीकी के इस्तेमाल से प्रदेश के आम नागरिकों को बिना और उसकी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था उपलब्ध होगी। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मैपल ऐप के जरिए आम जनमानस को तमाम लाभ मिलेगा, जिसमें आम जनमानस यातायात सुरक्षा संबंधी अपना सुझाव दे सकेंगे तथा एम्बुलेंस की रेड लोकेशन शेयर की जाएगी। गति सीमा दुर्घटना संभावित क्षेत्र में यातायात सुरक्षा से संबंधित अलग की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप से जुलूस, विरोध रैली, वीआईपी मोमेंट्स, सड़क बंद, रूट डायवर्जन तथा सड़क सुरक्षा जैसी जानकारी इस मैपल ऐप से मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में व ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें हमारा एक स्वदेशी मैपल ऐप लॉन्च किया गया है, MAPPLE। इस ऐप के प्रयोगकर्ता पुलिस भी होगी और आम नागरिक भी होंगे। इस ऐप का से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम नागरिकों को ये मिलेगा कि आम नागरिक यातायात व्यवस्था के सुधार में अपना सुझाव भी दे सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को ये भी जानकारी मिल जाएगी, जैसे उन्हें किसी रूट पर जाना है उस रूट पर कोई धरना, प्रदर्शन, जाम, वीआईपी मूवमेंट या सड़क पर कोई कार्य चल रहा है, मार्ग अवरोध तो नहीं है, और इसके अतिरिक्त उन्हें इसमें वैकल्पिक मार्ग की जानकारी भी मिलेगी और कितने समय में पहुंच सकते हैं, कितनी दूरी उनकी बढ़ेगी या कम रहेगी, इस बारे में प्रत्येक जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से डॉक्टरों के पास तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे बेहतर यातायात व्यवस्था बनेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षा संबंधी अलर्ट डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। इस ऐप को ऐप स्टोर के माध्यम से और प्ले स्टोर के माध्यम से बहुत आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का नाम है MAPPLE मैपल्स ऐप। तो मेरा सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध है, बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए अपने सुझाव और अपनी फीडबैक देने के लिए मैपल्स ऐप का जरूर प्रयोग करें। थैंक यू। बांसगांव थाने की पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अभिषेक उर्फ काशिक गुप्ता, पुत्र सुभाष गुप्ता, निवासी ग्राम धसका थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा योगेश गुप्ता, पुत्र विजय गुप्ता, निवासी धसका थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, तीसरा राजन कुमार, पुत्र पन्नेलाल, निवासी जरलही कौड़ी राम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, चौथा शिव कुमार, पुत्र कतवारू, निवासी धसका थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, पांचवा अमन कन्नौजिया, पुत्र प्रकाश कन्नौजिया, निवासी धसका थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी के 3 गैस सिलेंडर, 1 सफेद धातु का पायल, बेचे हुए सामान से प्राप्त 1,120 रुपया नकद बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि 5 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस में बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, इत्यानंद पांडे, रंजीत तिवारी, कांस्टेबल वाल्मीकि प्रसाद गौड़, संतन यादव, धर्मेंद्र कुमार, अमित तिवारी, मोहित सिंह शामिल रहे। विश्व हिंदू
हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी गोरक्ष प्रांत द्वारा प्रांत संयोजिका रानी शाहनी के नेतृत्व में दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा सप्तशती पाठ एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम दुर्गा चौक स्थित एक लॉन में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि द्वारा विश्व हिंदू परिषद के संस्कृति विभाग की क्षेत्रीय संयोजिका लखनऊ क्षेत्र कल्पना रही, जिन्होंने जगत जननी माँ दुर्गा एवं राम दरबार के सम्मुख पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलित किया। जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की मातृशक्ति सीता और पार्वती सौम्यता रखने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर मां काली और चंडी की भांति रौद्र रूप अपना सकती हैं। मातृशक्ति में इसी भावना को जागृत करने के लिए हम सब जगत जननी मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और विश्व हिंदू परिषद उक्त कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति में दुष्टों के संहार एवं परिवार में संस्कार का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर कुमार, प्रांत सहमंत्री शगुन श्रीवास्तव, डॉक्टर जी के सिंह, शीतल, राहुल, करीमा, रागिनी, संजना, अनुष्का, मुस्कान, दिव्या, मोहिनी, रोशनी, माया, वंदना, विनीता, स्वीटी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, दीप ज्योति जनार्दना दीप भी विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके फिर उच्च मध्यम और निम्न स्वर में एक साथ श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाई तरफ दीदी रानी सानी जी प्रांत सह संयोजिका दुर्गा वाहिनी विभाग अभिनंदन करती हूँ। परमेश्वर भाई साहब जी प्रांत संगठन मंत्री रुक्मणा जी आए और देखा दुर्गेश त्रिपाठी। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी द्वारा पूरे भारतवर्ष में शक्ति की स्वरूप माँ जगदम्बा के आराधना के 9 दिनों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें आज ये गोरखपुर महानगर की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा शस्त्र पूजन एवं दुर्गा अष्टमी का एक कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और इसके द्वारा ये दिया जा रहा है कि जो हमारी आधी आबादी है ये किसी प्रकार से कम नहीं है, ये शक्ति का रूप है और यही माँ जगदम्बा ने हम सबको बताया था कि जो स्त्री है वो जननी है, वो उसके पास सारा जो है भगवान ने दे रखा है, अगर वो चाहे तो आने वाले वंश को संस्कारों से भर सकती है, वो चाहे तो देश में परिवर्तन ला सकती है, वो चाहे तो काशी विश्वनाथ का मंदिर बना सकती है, वो चाहे तो प्लेन उड़ा सकती है, वो चाहे तो ट्रेन चला सकती है। उसी शक्ति के आह्वान के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। यही कहेंगे कि औरतों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से औरतों के अंदर माताओं बहनों के अंदर आत्मबल और आत्म सुरक्षा की भावना को सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन गोलघर काली मंदिर पर सुबह से मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में गोलघर काली मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल सैनी ने बताया कि सोमवार को
शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन है। इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। यह मंदिर बहुत पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर माता का पिंडी निकला था, उसी के आधार पर यहाँ पर काली माता की मूर्ति का निर्माण हुआ। हम लोगों की तीसरी पीढ़ी माता की पूजा कर रही है। हर साल नवरात्रि पर यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। लोग 9 दिन व्रत रहकर श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल सैनी ने कहा, कृष्ण गोपाल सैनी। मान्यता माता जी का है कि जो भी उनसे मुरादें मांगते हैं वो पूरा हो जाती है, और मंदिर बहुत पुराना है, कोई जानता नहीं है। जंगलों के ज़माने का माता जी का पिंडी निकला हुआ जमीन से, उन्हीं के आधार पर काली माता का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो मंदिर कब का कोई जानता नहीं है। तीसरी पीढ़ी मेरी चल रही है। हाँ, तो नवरात्रि में हमेशा भीड़ होती है, हमेशा श्रद्धा होता है माँ का। लोग व्रत रहते हैं 9 दिन, और अष्टमी तो आज ये है, आज ज़्यादा लोग व्रत होंगे, आज ज़्यादा लोग मंदिर में आएंगे। मनोकामना तो इनकी जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और पूर्ण होती है। लोग दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एडीजी अखिल कुमार ने जनपद के अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में की बैठक। कहा, शोभा यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ बाहरी पुलिस कर्मियों की भी लगाई गई है ड्यूटी। पूरे क्षेत्र को बांटा गया है सेक्टर व जोन में, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। सीएम योगी ने की अष्टमी तिथि पर मां जगत जननी के अष्टम स्वरूप माता महागौरी तथा सायंकाल सत्र में नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से की आराधना। समस्त देशवासियों के जीवन में सुख शांति आरोग्य व समृद्धि की मंगल कामना। मातृशक्ति के पाव पखार सीएम योगी होंगे रथ पर सवार। गोरखनाथ मंदिर में नवमी की तिथि पर मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री करेंगे कन्या पूजन। दोपहर में होगा तिलकोत्सव। अपराह्न बेला में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकलेगी विजयदशमी की शोभा यात्रा। महानगर में नवरात्र, दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन तथा मंगलवार को निकलने वाले मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा को देखते हुए महानगर में वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी भी असुविधा से बचने के लिए रूट डायवर्जन का करें पालन।
स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया खुशी का इजहार। कहा, पावरफुल स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भारत के लिए है एक बहुत बड़ी कामयाबी। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर यात्रियों को बैठाकर चलना है प्रतिबंधित। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सघन चेकिंग अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को किया गया है निर्देशित। जनपद में जगह जगह पर पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा, विधि विधान से की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना। नवजात मासूम शिशुओं की जीवन रक्षार्थ आश्रय पालना स्थल का जिला महिला चिकित्सालय में सदर सांसद रवि किशन ने किया लोकार्पण। कहा, पालना स्थल में शिशु का किया जा सकता है सुरक्षित परित्याग, पहचान भी पूर्ण रूप से रखी जाएगी गुप्त, पुलिस में भी नहीं की जाएगी FIR दर्ज। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गब्बर कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सड़क हादसे और जाम से निजात पाने के लिए यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच MOU हुआ है हस्ताक्षरित। SP ट्रैफिक ने कहा, मैपल ऐप से आमजन को जुलूस, विरोध रैली, VIP मूवमेंट्स, सड़क बंद, रूट डायवर्जन तथा सड़क सुरक्षा जैसी मिल सकेगी जानकारी। पांच शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 गैस सिलेंडर, 1 सफेद धातु की पायल, बेचे हुए सामान से प्राप्त 1,120 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी गोरक्ष प्रांत की प्रांत संयोजिका रानी शाहनी के नेतृत्व में दुर्गा सप्तशती पाठ एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, मात्र शक्तियों के साथ शस्त्र पूजन कर आराध्य शक्ति स्वरूपा मां को किया गया याद। और शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन भी गोलघर काली मंदिर पर मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के सुख समृद्धि की कामना। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।